समय की बात है। सूरज अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। सूरज कभी स्कूल नहीं गया था। पैसों की कमी के कारण वह अपने पिताजी के साथ घरों की सफाई का काम करता था और जो पैसे आते उससे उनका घर का खर्च चलता था। एक दिन सूरज के पिता की तबीयत खराब हो गई तो सूरज के पिता ने उससे कहा, सूरज बेटा आज तुम काम पर चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी पिताजी आप चिंता न करें, आप आराम करें, मैं आज काम पर अकेला ही चला जाता हूँ। सूरज इतना बोलकर काम पर चला जाता है। उस दिन पहली तारीख होती है, इसलिए जहाँ सूरज काम करता है वहाँ से उसे काम के पैसे भी मिलने वाले होते हैं। काम के बाद वह अपने मालिक से पैसे लेता है। इसके बाद घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद पिताजी पूछते हैं, बेटा पैसे मिल गए? हाँ पिताजी ये लीजिए। सूरज के पिता पैसे गिनते हैं, उन्हें उन पैसों में एक अनोखा नोट दिखाई देता है। वे सूरज से पूछते हैं, सूरज ये कैसा नोट है? पता नहीं पिताजी, जैसा मालिक ने मुझे दिया मैंने आपको दे दिया। इसके बाद पिताजी को लगता है शायद यह नोट भूल से मालिक ने दे दिया होगा, लेकिन वह नोट इतना अजीब होता है तो पिताजी को लगता है इस नोट का क्या मतलब होगा, ये नोट तो यहाँ कोई लेगा भी नहीं। और वे उस नोट को सूरज को खेलने के लिए दे देते हैं। अब सूरज बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तभी वहाँ से आइसक्रीम वाला निकलता है। सूरज और उसके दोस्त आइसक्रीम वाले को रोकते हैं, भैया आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम वाला सबको आइसक्रीम दे देता है, लेकिन सूरज आइसक्रीम नहीं लेता। उसके दोस्त उससे पूछते हैं, सूरज तुम आइसक्रीम क्यों नहीं ले रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन जैसे ही सूरज अपनी जेब में हाथ डालता है उसे 10 रुपए मिलते हैं, वह आइसक्रीम ले लेता है। उसे लगता है कहीं से आ गए होंगे। अब वह घर जाकर अपने माता पिता को बताता है कि उसको जेब में से 10 रुपए मिले। सबको लगता है हो सकता कभी सूरज खुद ही रख कर भूल गया हो। अब ऐसे ही समय निकल जाता है। एक दिन सूरज के पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं, आपको इन्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। सूरज और माँ दोनों परेशान हो जाते हैं कि इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। अब माँ और सूरज पिताजी को लेकर घर जाते हैं और वे जैसे ही अलमारी खोलते हैं उन्हें उसमें पैसे मिल जाते हैं। वे लोग तुरंत ही पिताजी को लेकर बड़े अस्पताल लेकर जाते हैं और धीरे धीरे पिताजी ठीक होने लगते हैं। और कुछ ही दिन में पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाद में वे अपनी पत्नी को पूछते हैं, तुम्हारे पास मेरे इलाज के पैसे कहाँ से आए? हमें तो पैसे अलमारी से मिले थे, हमें लगा आपने संभाल कर किसी काम के लिए रखे होंगे। नहीं मैंने तो नहीं रखे। अब सब परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अब सूरज के पिताजी पुराने मालिक के यहाँ फिर से काम पर जाते हैं तो मालिक पूछता है, मैंने तुमको जब महीने के पैसे दिए थे उसमें कोई नोट मिला था क्या? हाँ मालिक, क्या हुआ? दरअसल वो एक जादुई नोट है, मुझे लगा वो किसी के गलत हाथों में न पड़ जाए। मालिक मैं कल काम के लिए आऊँगा तो मैं ले आऊँगा। नहीं अब वो नोट तुम्हारा हो गया, अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता। जिन्होंने मुझे वह नोट दिया था उन्होंने कहा था बस ये नोट गलत हाथों में न जाए। अब तुम उस नोट की देखभाल करना और यही बात तुम भी ध्यान रखना। अब पिताजी को समझ आ जाता है कि उसके घर में पैसे उस नोट के वजह से आ रहे थे। अब पिताजी उस नोट को संभाल कर रख देते हैं और जरूरत के समय उसका उपयोग करते हैं।